हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने सुना होगा कि सेव टाइगर, सेव टाइगर को सेव करो, बहुत कम नंबर में टाइगर्स बचे हैं। तो क्या आपको लगता है कि सेव टाइगर को सेव करना रियली एक मेन एम होना चाहिए हमारे कंट्री का? और अगर टाइगर नहीं बचे हमारे देश में तो क्या होगा? तो अगर आपको फूड चेन के बारे में पता होगा तो जो टाइगर होता है वो फूड चेन के सबसे टॉप वाले पोजीशन पे होता है, सबसे फर्स्ट पे होता है। ग्रास, ग्रास के बाद आता है ग्रास ईटर, ग्रास ईटर के बाद आता है सबसे टॉप पर हमारा टाइगर। सपोज़ करो कि हमारे इंडिया में एक भी टाइगर्स बचे नहीं तो क्या होगा? तो एक्चुअली ये होगा कि जो टाइगर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो ग्रास ईटर्स होते हैं उनके नंबर को, उनको खा खा कर उनके नंबर को कंट्रोल करते हैं। अगर टाइगर्स ही नहीं होंगे तो उनको, वो ग्रास ईटर्स को कौन खाएगा? और जिसकी वजह से उनका पॉपुलेशन और बढ़ेगा और उनका नंबर और इंक्रीज़ होगा, और नंबर इंक्रीज़ होने की वजह से वो क्या होगा कि वो जितने भी ग्रास रहेंगे उनको खा जाएंगे। अगर सीड्स में से थोड़ा भी प्लांट्स बाहर आए, उनको उगने से, बड़ा होने से पहले वो ग्रास ईटर्स क्या करेंगे, उनको खा जाएंगे। तो इससे डायरेक्टली कनेक्शन क्या होगा कि डिफॉरेस्टेशन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। डिफॉरेस्टेशन बढ़ेगा तो हमारा फूड चेन डिस्टर्ब होगा, फूड चेन डिस्टर्ब होगा तो हमारा फूड कम मिलेगा और उनको, और जिसकी वजह से फूड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, और ग्लोबल वार्मिंग जैसे प्रॉब्लम्स तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं जिसके बारे में आपको पता है। तो इसके लिए टाइगर को सेव करना बहुत ही ज़रूरी है। आपको ऐसे अगर और इंटरेस्टेड वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में आप बताइए कि आपको किस बारे में जानना है, मैं उसे रिलेटेड अच्छे अच्छे नॉलेज पता करके आपको उसके बारे में वीडियो बनाकर दूँगा।